नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू अनदर ब्लॉग में। और मैं हूँ लेखू और आप देख रहे हो लेखू किसी ब्लॉग। तो दोस्तों आज है भाई दशहरा और मैं आज दिखाने वाला हूँ अपने गांव का दशहरा। तो हमारे यहाँ गांव का दशहरा मैंने जैसे कि गणेश विसर्जन दिखाया था उसी तरह पे ना मैं थोड़ा यीशु दिखाने वाला हूँ। और हाँ, इसमें ना थोड़ी गणेश विसर्जन से ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छे तरह से मैं शूट करने की कोशिश करूँगा वीडियोज़ को। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, आपको मज़ा भी बहुत आएगा और जानने को मिलेगा हम लोगों की हिंदू फेस्टिवल और हिंदू कल्चर के बारे में और विशेष करके हमारे ब्लेस के गांव में जो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा, तमाम चीज़ों के बारे में ना ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारा फन भी होने वाला है। तो प्लीज़ पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, न्यू हो तो लाइक शेयर करना दोस्तों के साथ। तो चलो भाई दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं दुर्गा पंडाल में भाई चलते हैं, अभी दुर्गा पंडाल का देखते हैं क्या सीन होने वाला है। बाज आजा की आवाज़ तो आ रही है तो आप समझ रहे हो कि इतना मज़ा आ रहा होगा। तो बाज आजा होते डांस वांस होंगे ना, भ्रामा होंगे, सब चीज़ दिखाने वाले हैं आज आपको क्योंकि आज लास्ट ही नवरात्र में जिसके तो दोस्तों मूर्ति विसर्जन करना तैयारी हो रही है। दिखा रहा था तब दुर्गा पंडाल के पास था और अभी फिलहाल मैं अपने घर के पास हूँ। देखो मम्मी भी बैठी हुई है यहाँ पे, ये देखो मम्मी बैठी हुई हैं, ठीक है। और हम लोग ने जो अभी दिखाया है ना वहाँ पे एक्चुअली जो जिनको भाव आया था, जो बरुआ थे उन लोगों की आपस में जो भिड़ंत हो गई थी, पता नहीं क्यों हुई थी ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब भाई मैं अपने घर के छत से जो व्यू आएगा यहाँ का वो दिखाने वाला हूँ ना, वो वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, न्यू हो तो लाइक शेयर करना दोस्तों के साथ और हाँ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना, ठीक है। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं अपने छत से व्यू। तो आज हमारी आरती तैयार हुई है, अच्छी दिख रही है आरती। दोस्तों आप देख लो छत से नज़ारा कुछ इस तरह से भाई, अभी तो आधे से ज़्यादा युवा वाले जो है ना वो निकल गए और देखो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप ये देखो पूरा बहुत ज़्यादा क्राउड है इसमें, देखो आप ये थोड़ा, और आधे तो चले गए।
अभी जो मूर्ति देख रहे थे ना भाई, ये वाली जो मूर्ति है और ये सभी जो जगह है, ये सब भाई दुर्गा चौक की मूर्ति और जगह, ये मेरे मोहल्ले की नहीं है, मेरे मोहल्ले की भी निकलने वाली है, हम उसको भी आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में, वो भी देखने को मिलेगा। तो भाई मजा बहुत आने वाला है, तो प्लीज ना लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। यहाँ से काफी क्लियर हो रहा है, आप देख लीजिए की मूर्ति, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बताना, और जय माता दी जरूर लिखना, जरूर लिखना। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ अपने मोहल्ले की मूर्ति, जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे मोहल्ले की मूर्ति की तैयारी हो गई विसर्जन की, तो चलो देखते हैं दशहरा, तो जय माता दी जरूर लिख देना, ठीक है। देख लो ये खप्पर चल रहा है, यहाँ इस तरह से माता की मतलब विसर्जन यात्रा के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, और ये भाई हमारे मोहल्ले की है, तो इस तरह से बाहर निकाला जा रहा है माता की मूर्ति को, और बहुत भारी मन से भी माता दिखाई दी जा भारी मन से। 9 दिन की माँ की सेवा करते हैं, फिर 10वें दिन विसर्जन करते हैं, तो काफ़ी थोड़ा ना मतलब फील होता है, मतलब दुख होता है, लेकिन अगले बरस आने की उम्मीद में माँ को हम इस तरह से विदाई देते हैं, और इसी तरह से कुछ सेलिब्रेट किया जाता है हमारे यहाँ महादारा होता है, तो कमेंट में जरूर बताना कि हमारे यहाँ का दशहरा कैसा लगा आपको। बताया था, और इसका भी व्यू मैं अपने छत से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो व्यू जो है ना मेरे छत से अच्छा आ जाता है, यहाँ का थोड़ा ड्रोन शॉट जैसा आ जाता है, तो अच्छा लगता है, तो चलो इसको भी दिखाते हैं हम अपने छत से। मैं और मेरी बहन को यहाँ सा छोटा सा अस्ताज अरे झंडा पहले है, और चलो इसका जो व्यू है ना फाइनली बुक हम ऊपर से दिखाते हैं छत से। आप गाइस ये है हमारे मोहल्ले का जो अभी निकल रहा है जवा विसर्जन, और यहाँ पर अभी जवा लेके निकल रही हैं महिलाएँ, और अभी माता रानी की अगर मूर्ति की बात करूँ तो वो बहुत दूर है, आप देख सकते हो, मैं जूम करके अगर दिखाऊँ आपको तो वो बिल्कुल बिल्कुल पंडाल के पास ही है। हम लोगों के यहाँ जो है नवरात्रे का और इस दशहरे का प्रोग्राम होता है, स्पेशली नवरात्रे का भी मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, चेकअप कर लेना। इसके साथ साथ मैंने सहपुर की नवरात्रि भी दिखाया है, और अपने गाँव की भी दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से माहौल रहता है दशहरा के दिन हमारे यहाँ का। रावण दहन नहीं होता इसके बाद भी अच्छा बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, तो आपको मैं ना बिल्कुल एंड तक दिखाने वाला हूँ, उससे पहले आप अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ माता के सच्चे भक्त हो तो जय माता दी लिखना जरूर मत भूलना, और इंस्टाग्राम में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सिर्फ ऑसम ब्यूटीफुल मोमेंट और ना प्यारा और सुंदर सा ये नज़ारा।
के पास यहाँ पे माता रानी की जो दुर्गा चौक की मूर्ति थी वो पहुँच गई है। मैं अभी नदी के पास में हूँ और लोग वहाँ देखो बच्चे ध्वज लेके खड़े हुए हैं, बैठ के देखो आप दोस्तों। तो आप देख लो हम नदी के किनारे पहुँच गए हैं और यहाँ देखो पूरे मतलब जितने कलश वाले हैं जो कि जवारे रखे हुए हैं सभी आ गए और माता रानी की मूर्ति बस पहुँचने वाली है नदी के किनारे। तो उनके लिए ना पानी छिड़काव करके उस जगह को शुद्ध किया जा रहा है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं माता की आरती होगी, इसके बाद उनका विसर्जन होगा। तो दोनों सीन आपको देखने को मिलेगा और हाँ यहाँ की भी दिखाऊंगा और मैं अपने मोहल्ले की विसर्जन का भी दिखाऊंगा क्योंकि वो कहीं और जाएगी विसर्जन के लिए, तो वहाँ भी जाना मुझे। तो दोनों को देखना भैया, सच्चे भक्त माता जी के ना, तो जय माता दी लिख देना, सब्सक्राइब कर लेना न्यू हो तो और लाइक करना दोस्तों के साथ। माता रानी की जैसे की आरती हो चुकी है, अब विसर्जन के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ पे मतलब नदी के अंदर जाएंगे। तो देख लो आपको नज़ारा इस तरह से है और यहाँ का, और उससे पहले भाई जवा विसर्जन है तो जवा विसर्जन भी कर रहे हैं, तो जवा विसर्जन भी हो रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको जवा विसर्जन का। ये तो देखो इसको वो मटकी से इसको अलग कर दिया इसने, ये तो आप देख सकते हो इस तरह से माता को विसर्जन के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, माता को ना विसर्जन के लिए नंदी में ले जाया जा रहा है। ये देखो दोस्तों फाइनली अब देखो नंदी में प्रवेश कर गए ये लोग, इस तरह से ये इस तरह से हो गया माता रानी का विसर्जन। आप दोस्तों आप देख सकते हो विसर्जन होने के बाद यहाँ पे आ गए हैं सभी लोग इस तरह। ये है हमारे मोहल्ले की आरती। आपने देखा कि यहाँ पे भी आरती हो गई। आरती होने के बाद ना अब क्या होगा, अब मूर्ति विसर्जन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली हमारे मोहल्ले की जो मूर्ति होगी ना किस तरह से विसर्जित होती है, क्योंकि हम आए हैं अभी भाई मरवारी डैम में और यहाँ का हम दिखाते हैं आपको कि मूर्ति विसर्जन का पूरा सीन। दोस्तों देख लो भाई माँ का अभी अंतिम दर्शन होने हो रहा है इस तरह से माता रानी, और ये देखो सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ये आप देख लो माता रानी का, अब माता रानी का विसर्जन होने जा रहा है। तो दोस्तों आप देख लो इस तरह से माता की मूर्ति को उठा लिया गया है, अब इसे नंदी में विसर्जन के लिए भेजा जा रहा है। देखो इस तरह से नंदी है भाई, देखो नंदी में इस तरह से माता। तो दोस्तों हम लोग ना मूर्ति का विसर्जन करके अब घर जाने लगे हैं और भाई देखो अंधेरा बहुत हो गया है, मेरे पीछे जो है किसी के चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों दुर्गा विसर्जन करके हम लोग वापस पंडाल में पहुंच गए हैं और पंडाल में अभी थैंक यू पंडाल में अभी देखो मतलब आए हैं सभी लोग, तो अभी कलशा रख रहे हैं और आरती होगी। पर अब मैं यहीं पर इस ब्लॉग को करता हूँ समाप्त और जाता हूँ।